पंजाब सरकार की अनदेखी का नतीजा है कि पंजाब का किसान मंडियों में परेशान हो रहा है। एक तरफ किसान कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अनाज मंडियों में फसल को लेकर जद्दोजहद करने को मजबूर है। कैबिनेट मंत्री आशु फसल की खरीद संबंधी गलत आंकड़े पेश कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये कहना था श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल का। वे वीरवार को लुधियाना के मुल्लापुर दाखा स्थित अनाज मंडी में गेहूँ की खरीद का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान जगराम दाखा रोड पर किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। सुखबीर बादल ने कहा कि मंडियों में किसान फसल बेचने को लेकर परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं आ रहे हैं। वे बठिंडा और मोगा अनाज मंडियों का दौरा करके आ रहे हैं। हालात ये है कि बारदाना नहीं मिलने के कारण खरीदी नहीं हो पा रही है। किसान 10 दिन से मंडियों में बैठकर अपनी फसलों पर पैरा दे रहे हैं। अनाज मंडियों में गेहूं के अंबार लग चुके हैं। ऐसे में किसान अपनी फसल को काट कर घरों में रख रहे हैं। मौसम खराब होने के कारण किसानों की फसल खराब हो रही है और प्रदेश सरकार ने किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया है। पंजाब के अस्पताल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। सेहत स्टाफ की कर्मी साफ दिखाई दे रही है। इस दौरान उनके साथ विधायक मनप्रीत अयाली में मौजूद थे। देश और विदेश भर की खबरें जानने के लिए बने रहे आशा प्लस के साथ।